हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे हाव हाउस की थ्योरी। हाव हाउस महोदय ने का पूरा नाम लियोनार्ड फिनाले हाव हाउस है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? यह हाव हाउस 1864 में इंग्लैंड में जन्मे थे और 1929 में इनकी डेथ हो गई। इनकी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है द थ्योरी ऑफ नॉलेज, माइंड इट्स इवोल्यूशन, द नेशनल गुड, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, इट्स नेचर एंड कंडीशंस, मोरल्स इन इवोल्यूशन, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। इसके अलावा इनका और एक पॉपुलर थ्योरी थी जिसको उन्होंने सामाजिक विकास और प्रगति, सामाजिक विकास और प्रगति को भी इन्होंने दिया था। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में उद्विकास स्टार्ट हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने चार्ल्स डार्विन से अपनी थ्योरी ली थी। दिख रहा सब उतार लिए ना, सब बुक का नाम लिख लीजिए। इसके बाद इन्होंने इनकी और भी जो थ्योरियाँ थी उसको आपको हम बताते हैं। अच्छा, स्पेंसर ने किससे अपनी थ्योरी ली थी, उसको समाज पे ला के जो कन्वर्ट किया, किससे लिया था? चार्ल्स डार्विन से। चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम था? ऑरिजन ऑफ स्पेसी। 1589 में ऑरिजन ऑफ स्पेसी बुक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और उसी से प्रेरणा लेके इसको इन्होंने समाज पे कन्वर्ट किया और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, उद्विकास किसको कहते हैं? जो धीरे धीरे होता है परिवर्तन, सरलता से जटिलता की तरफ और असंबद्धता से संबद्धता की तरफ, अनिश्चित से निश्चितता की तरफ, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। इसके बारे में हाफ हाउस ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हाफ हाउस महोदय क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब उन्होंने इनके बुक का नाम लिख दिया ना, अब हाव हाउस प्रगति और विचार में भी अपने प्रगति और विकास में भी अपने विचार देते हैं। चलिए आगे लिखिए, विकासवाद का सिद्धांत, हेडिंग विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत में इन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक विकास की माप और विकास का उद्देश्य, ये तीन पॉइंट बताए हैं। तीनों पॉइंट ही पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद इसमें समझाते हैं। विकासवाद का सिद्धांत में डाल के इसमें पहले लिखिए प्राकृतिक और सामाजिक विकास। प्राकृतिक और सामाजिक विकास, हाँ, इन दोनों में इन्होंने अंतर किया है। अब प्राकृतिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है? तो प्राकृतिक विकास वो होता है जो